हमारे इंस्टाग्राम पर कट्टर हिंदू लिखो दो, तो इन्होंने अंदर जाके कि कट्टर हिंदू हटा दो, तो हमारे में कट्टर हिंदू लिखो, तो हम हिंदू हैं तो हिंदू तो लिखे यार। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अक्सर आप देखते होंगे कि लोग अपने बायो के आगे तमाम चीजें लिखते हैं, जैसे कि माँ का लाडला, पापा की परी, ऐसे तमाम चीजें आपने देखी होंगी। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला है, लोग अपने धर्म को लेकर भी उसमें तमाम चीजें लिखते हैं, जैसे कि कट्टर हिंदू। और यही कट्टर हिंदू लिखना है एक युवक को इतना महंगा पड़ गया कि उसकी दूसरे धर्म के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मामला फरुखाबाद का है, जहां से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, और ये कहानी आपके होश फाख्ता करने के लिए काफी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज फरुखाबाद की एक ऐसे लड़के की, जिसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और इंस्टाग्राम पर कट्टर हिंदू लिखा। लेकिन यही कट्टर हिंदू लिखना दूसरे धर्म के कुछ युवकों को नागवार गुजर गया। उन्होंने पहले कहा कि वो इसे हटा ले, लेकिन जब मोहित नाम के पीड़ित ने ऐसा नहीं किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, जिसके बाद जो हंगामा था फरुखाबाद में वो देखते बन रहा था। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में सोशल मीडिया ग्रुप पर युवक को कट्टर हिंदू लिखना भारी पड़ गया। दूसरे समुदाय के युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इससे गुस्साए कुछ युवकों ने थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिलने पर पीड़ित मोहित के परिजन और बजरंग दल के नगर अध्यक्ष सोनू शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया, भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया। बता दें कि फरुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के शमशाबाद कस्बा के रहने वाले मोहित राजपूत ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम अकाउंट पर कट्टर हिंदू शब्द लिखा था। कट्टर हिंदू देखकर विशेष समुदाय के कुछ युवकों ने बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर दी। ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 7 नामजद 40 से 50 अज्ञात युवकों के खिलाफ मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस इस मामले को आपस में हुई मारपीट का मामला बता रही है। पूरे मामले पर पीड़ित मोहित राजपूत का भी पक्ष जानेंगे, लेकिन पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, ये बच्चा है मोहित राजपूत, नाबालिग बच्चा है ये, और इसके दोस्त कुछ डोसा वगैरह खाने के लिए गए थे। उसमें कुछ स्थानीय लोगों से विवाद हुआ, उसमें कुछ मारपीट की घटना हुई। मारपीट की घटना के बाद उस बच्चे को ले जाने की भी बात बताई जा रही थी कि उसके घर ले जा रहे थे, उलाना देंगे उसके माँ बाप से कि इसने ऐसी हरकत की है। इस प्रकरण में उनकी एफआईआर, मोहित राजपूत की एफआईआर पे अभियोग पंजीकृत किया गया है, और जो शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। यद्यपि अभी तक की जानकारी में ये पता चला है कि उसमें ज्यादातर नाबालिग बच्चे ही रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और शांति व्यवस्था बनी हुई है। वही पीड़ित युवक मोहित राजपूत ने बताया कि उसने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कट्टर हिंदू लिख दिया था। इसे लेकर मोहल्ले के ही लड़कों ने हमें हिंदू लिखने से मना किया, साथ ही धमकी दी कि अगर ये नहीं हटाया तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। शमशाबाद में वो किसी भी कट्टर हिंदू को रहने नहीं देते। मैं डोसा खाने बाजार आया, इस दौरान करीब 40 से 50 लड़कों ने मेरी पिटाई कर दी। आप सोच कर देखिए कि अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर कट्टर हिंदू लिखना एक शख्स को कितना, एक युवक को कितना ज्यादा महंगा पड़ा है। खुद मोहित की जुबानी सुनिए कि उसके साथ क्या कुछ गुजरी। तो कि हमारे इंस्टाग्राम पर कट्टर हिंदू लिखो दो, तो इन्होंने अंदर जाके कि कट्टर हिंदू हटा दो, तो हमारे में कट्टर हिंदू लिखो, तो हम हिंदू हैं तो हिंदू तो लिखे यार। फिर उसके बाद हमने कि नहीं भैया यार हमें लिखो रान दो, तो इन्होंने कही तू मिले भाई मारे यहाँ। हमने कि यार क्यों, ऐसी क्यों बात है, कही कि बस कि हमारा एक ही ग्रुप रहेगा, वो भी है डेविल ग्रुप। हमने कहा यार हमों का तो हम कट्टर हिंदू हैं तो हिंदू रुको नहीं कि तू अब मिल। हम गए आज परवा, तो हम नॉन वेज खाने, तो हम गए थे डोसा खान, तो डोसा खान में इन हमको देख लो, तो इनके कम से कम 40-45 लड़का आए और हमको घेर लो और मारने लिख रहे, और मार तो भाई बाजार में घुमा पे अपने घर पर लेके गए और छोड़ दो, हम भाग गए तभी कहाँ पर पहुँच गए। अरे हम थाने हैं यार, मेरे तो तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए ले गए थे क्या? हाँ मारते हुए ले गए। कितने लोग थे लगभग? 40-45 लोग। 40-45 लोग मारते हुए ले गए थे। जी जी कैमरा हम दिखा दो क्या पीछे? कहाँ तक ले गए? अधीन वो दलवीर का मोहल्ले तक।
तलमील खा मौले, तो तुम्हें बचाया होगा किसी? नहीं बचाया, सीधे कही कि जाओ कानन छोड़, फिर कुछ लोग आएंगे तभी हम भाग गए। सिर्फ एक शब्द कट्टर हिंदू उसने अपने व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और इंस्टाग्राम बायो पर लिखा, जिसको लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ कि अब वहां पर भारी सुरक्षा बल को वहां पर तैनात किया गया है। सवाल यह है कि अगर किसी ने कट्टर हिंदू शब्द लिखा तो उस पर दूसरे समुदाय का इस तरीके से रिएक्ट करना कितना सही है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी घटना हो रही है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी घटना हो रही है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे और उस खबर को अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।